डियर स्टूडेंट, आज बच्चों हिंदी की क्लास है तो हिंदी में हमें पढ़ना है बीच का अक्षर लिखिए। तो हमें बीच का अक्षर लिखना है। स्वर व्यंजन यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर आपको स्वर व्यंजन पढ़ते हुए बीच का अक्षर आपको भरने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। क के बाद यहाँ क्या आता है? ख। क के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ख। ये देखिए आपका क्या होगा, क ख ग। अब यहाँ बड़ा लिखा है, बड़ा के बाद कौन सा लेटर आएगा आपका? छोटी ई। इन दोनों के बीच का अक्षर आपको लिखना है। इन दोनों के बीच का अक्षर यहाँ पे हमने लिखा क ख ग, ख लिखा और यहाँ पर आपका क्या आएगा बीच में? छोटी ई। ठीक है, छोटी ई। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ और री के बीच में कौन सा अक्षर आता है? बड़ा ऊ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए च और ज के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? छ, छ से छाता। तो आप देखिए क ख ग, बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, च छ ज। अब यहाँ पे देखिए प फ ब, प और यहाँ पे हमें भरना है फ। ठीक है, य र ल, यहाँ पे हमको र लिखना है। ठीक, अब ये श दिया हुआ है तीनों स बच्चों, एक तो सलजम वाला होता है, एक षटकोण वाला होता है और एक साइकिल वाला होता है। तो आपको यहाँ पर बीच वाला स भरना है, षटकोण वाला स। तो यहाँ पे हमें षटकोण वाला स लिखना होगा। यहाँ पे हमने षटकोण वाला स लिखा है। ठीक है, अब देखिए छत्रंग्य। तो आपको यहाँ पर छ लिखा हुआ है और ज्ञा लिखा हुआ है, आपको बीच का अक्षर भरना है। तो यहाँ पर हमें त्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, त्र। ये आपका स्वर व्यंजन रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। का, यहाँ इन दोनों के बीच का अक्षर क्या हुआ? ख हुआ। इन दोनों के बड़ा बड़ी के बीच का अक्षर क्या होगा? छोटी। छोटा ऊ और री के बीच का अक्षर होगा बड़ा ऊ। और च और ज के बीच का अक्षर होगा छ। प और ब के बीच का अक्षर आपका आएगा फ। य और ल के बीच का अक्षर आपका आएगा र। और स के बीच का अक्षर आपका आएगा श से षटकोण। और ये देखिए यहाँ पर छत्रंग्य और छत, छ से छत्री, ज्ञ से ज्ञानी और त्र से त्रिशूल। यहाँ पर हम त्र से त्रिशूल लिखेंगे। तो ये आपका बीच का अक्षर भर करके और आपको खाली स्थान कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए क ख ग, बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, च छ ज, प फ ब, य र ल, श ख श, छ त्रंग्य। तो ये आपका बीच का अक्षर जो है कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।